बिजनौर नजीबाबाद कोतवाली क्षेत्र में चक्की पर गेहूं डालने गई एक 8 साल की बच्ची से आटा चक्की संचालक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला दो समुदाय का होता देख गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अलीपुरा में अतीकुर रहमान के नाम से आटा चक्की है। उक्त आटा चक्की को उसका 22 वर्षीय पुत्र दानिश चलाता है। आज सुबह लगभग 10 बजे जब गाँव की एक 8 वर्षीय बच्ची सोनिया आटा चक्की पर गेहूं डालने गई तो दानिश ने उसे हाथ पकड़ कर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि घटना के बारे में अगर किसी को भी बताया तो तुझे बतेरे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित बच्ची किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची और डरते डरते परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए और वे आग बबूला हो गए। परिजन बड़ी संख्या में गांव वालों के साथ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। श्री अरुण कुमार व कोतवाल देवेंद्र कुमार धामा व हल्का इंचार्ज शहजाद अली में फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार लिखे जाने तक स्थिति नियंत्रण पूर्ण थी, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि के लिए गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है।